फ्रेंड्स, अभी हम लोग मार्केट से आए सब्जी लेके। काजल ने इधर का पूरा पोताई कर दी है, ये तो पूरा दरार है। कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये मिट्टी फोड़ फोड़ के इधर सारा दरार में भर दो। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा मैगी का फाइनल लुक। फ्रेंड्स, अभी हम और मानसी आए थे बाजार करने। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू प्यारा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह करीब 8 बज रहा है और अभी देखो धूप निकला है। हम खाना बहुत बना अच्छा लग रहा है क्योंकि हाँ, इधर ना बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, तो अभी धूप निकला है तो काफी अच्छा लग रहा है कि कचरा नहीं आएगा, है ना। और काजल खाना बना लिए। ये मेरे जेब में गुब्बारा कौन डाला है भाई? खाली चावल बनाना था, रात का सब्जी था, तो चलिए उसको गर्म कराया। धूप निकला तो अच्छा बात है, क्योंकि हमारा जो नीचे का तिरपाल बिछाए है ना, उसको आज धो देंगे, निकाल देंगे और लिपेंगे, देखेंगे मिट्टी को अच्छे से बैठा देंगे। क्योंकि हमारा देखो सब्जी भी जलने लगा, गर्म करने के लिए गए थे तो मानसी पापा बोले चलो बाहर में करते हैं। और मानसी दर दूध के लिए चिल्ला रही है, देखो कैसे सोई है। तो चलिए सब्जी हमारा गर्म हो चुका है, इसको चला ले अच्छे से। तो फ्रेंड देखो मानसी कैसे खा रही है, और हम लोग का खाना निकल गया, बट मानसिक पापा अभी ब्रश ढूंढ रहे हैं अलमीरा में, मिल भी गया। चलो ब्रश करके आते तो हम लोग भी खाएंगे। मेरा ब्रश अलमीरा में रख देती हूँ, खा लो खा लो। तो फ्रेंड्स, अभी शाम हो गया है और शाम का करीब 4 बज रहा है, और काजल देखो मेरे में फिर से तेल चिपका दिए, कह रही आपका बलिया कम हो रहा है। तो बताओ तेल लगाने से बाल घना हो जाएगा? और ना दोस्तों, जब तक हम शादी किए हैं तब से मतलब एक भी बार इनको तेल लगाते हुए हम नहीं देखे। तो मतलब कि जरूरी थोड़ा ना कि बालों में तेल लगाया जाए। तो बताओ इसको और झड़ता रहता है, अभी से भी एक पक कहाँ पकता है यार, झूठ मूठ के बदनाम कर रहे, कहाँ पक रहा है एक भी। वो थोड़ा सा तेल लगाने पे ऑटोमेटिक किसी का भी बाल चिपक जाता है ना, इसलिए कम लगता है। अभी नहा लूंगा शैम्पू से तो फुर्रा मारेगा मेरे बाल। नहाए भी थे ना दामों पर, जो वीडियो बना रहे थे तो पूरा यहाँ का जमीन दिख रहा। हाँ हाँ, जमीन दिख रहा होता। जाने दो भाई, टकला हो जाऊंगा और क्या। चलिए इसी वजह से तो तेल लगा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड घर का काम करते हैं, सारा कुछ मतलब हम लोग दिन भर बारिश को ऐसे जहुआई रहे, जहुआई रहे, हाँ, काम नहीं करना पड़ा, जहुआई रहे बारिश की वजह से। अभी एक्चुअली में क्या ना कि बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था सुबह से ही, सुबह तो धूप निकला था, हम लोग सोचे चलो आज धूप निकल गया, आज आएगा मजा, थोड़ा बहुत अपना काम कर लेंगे, कपड़े उपड़े पसार देंगे। और जैसे अभी खाना खा ही रहे हैं तब तक इतना तेज बारिश आएगा, फिर से पूरा भिगा दिया, पूरा रास्ते में फिर से पानी लग गया, तो क्या करें। देखते हैं आज आधा भी काम करते हैं और सुबह। और आप लोग कमेंट करते हैं काजल नहाती नहीं है, ये नहाती है पता है कब? रात को टाइम, शाम के टाइम नहाएगी और सो जाएगी, फिर सुबह ऐसे ही भाकुर जैसे उठेगी, वीडियो बनाएगी तो सबको पता चलेगा कि नहाती नहीं है, बाकी टी शर्ट ये चेंज नहीं कर रही है। कब के पहन लो? टी शर्ट है परसों पहन लो। क्या हो गया बेटा? अरे अरे अरे, ये खाली भागने लगती है, ये आके मेरा बाइक को पता नहीं क्या क्या कर रही है, कह रही है हो गया। क्या लग गया? छील लग गया। जा रही हूँ मैं की से, तुम कहाँ जा रही हो चाबी से? चलो साथ में करना मेरे। हाँ कटेगी उधर, वही सब सफाई करना चूटी। हाँ तो फ्रेंड्स देखो मानसी शूज पहन लिए, और देखो वहाँ शूज पहन लिए, शर्ट पैंट पहन लिए, टी शर्ट पैंट नहीं, मैं शूज नहीं पहनूंगा भाई। और जाए की ढूंढ रही है, कहाँ जाना है? बाइक का चाबी ढूंढ रही है। मेरा शूज नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं है। अच्छा वो चप्पल मेरा। अब जा रही है अपने पहन लिए, अब मेरा भी जा रही है ले आने, ताकि मैं बाइक पे ले जाऊं घुमाने। क्या खा रहे हो बेटा? प्रसाद यही खरीदवाई थी, बोले वाओ कैसे। ये जब माता जी से दर्शन करने गए थे तो उस टाइम प्रसाद खरीदवाई थी, वही देखो कैसे खा रहे अभी भी। तो फ्रेंड्स अभी काजल अपना जो बीज लगाई थी सब्जी का, वही देखो उसको कैसे सेफ कर रही है, बकरी नहीं खाएगी। देखो बकरी यही है, ये जीतन की बकरी है, देखो टिका रही है खाने के लिए ना काजल। जीतन के पास फोन का कंप्लेंट करना है। और ये देखो हमारा कितना बड़ा बड़ा हो गया है सब्जी। हाँ ना तहार ना, हम मानसी वाला ज्यादा बड़ा हो रहा है।
काजल वाला देखो छोटा छोटा है। वो तो ऊपर बारिश में तैरने लगा था तो सुबह आके उसको ठीक की थी। बेटा क्या कर रही हो? कैंडी खा रही है। ये प्रसाद जो है इसको कैंडी बोल रही है। वो क्या है बेटा, वो क्या है, वो क्या है बोलो? बकरी। बकरी बताई कहे बताई। तो अभी कुछ काम है घर में, चलिए उसको कर लेते हैं। अनुज को बुलाए हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग ये जो गद्दा है इसको हम लोग हटा रहे हैं। एक्चुअली देखते हैं इसका बेड भी हटाएंगे यहाँ से, और जो नीचे में होल हो रखा है उसको देखेंगे कुछ इस तरह से उसको बंद करेंगे, है ना कजन? इसलिए काम पे लग गए हैं अभी से। मानसी बेटा क्या कर रही हो? ये की लेके पीपी पीपी कर रही, क्या करें कजन? जाइए रख के आइए उधर। काजल को एक्चुअली ना हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं देती है। भोजपुरी जैसा बोलवा लो, भोजपुरी में तो जाई जी रवा ए रवा सब बोलती है। तो दोस्तों सोच रहे ना इसका खोल निकाल दे, बहुत गंदा हो गया है, हमको छींक छींक आने लगा भी है। तो चलिए इसका खोल निकाल दे, जल्दी निकाल दे। क्या बेटा? अरे रुको हम लोग काम करे बिट्टू पीपी, इसका चैन उधर आई है। क्या निकले हमारे? जैसे आप उसको फंसाए हो ऐसे सुखा देते हैं। इसके ऊपर बेडशीट रहता नहीं कि खोल निकाल ना भाई निकाले। रुको दोस्तों हम निकालते हैं इसको, बहुत उनको मार दिया आदमी। तो फ्रेंड फाइनली इसका खोल निकाल दिया, और मानसिक पापा कुक कुक के इधर ले जा रहे। पहले बोले थे बाइक निकलवा लीजिए, उधर ले गए डालने के लिए। इतने टाइम धूप नहीं है, हवा लग जाएगा, हो जाएगा इसको। तो फैमिली कर खाना। अच्छा फ्रेंड सारा ने रजाई हटा दिया है, और उधर मान से सुसु करके देखो इस चौकी को भी सड़ाने पर लग गई है। चलिए इसको उठाते हैं, वहां रहता हमारा सड़ गया था। हाँ सुसु करी हो आप, करी हो सुसु। खड़े हो जी, देखो ये कि ये तसला हटाने के लिए मेरे को कह रही। मैंने बोला क्या हो गया भाई, तो बताओ। अपनी जान की डर है, मेरे जान की डर, इसमें क्या है भाई कि हटाई हटाई को लो लो तारवा देख के ना डरा लो। यहाँ कुछ सामान रख रहे हैं, कुछ वहां पे रख दिए हैं, और बाकी बहुत ज्यादा चींटी है ना कजल? चींटी बहुत ज्यादा। उधर काजल मिट्टी ला रही है लिपाई करने के लिए। ये कारपेट इधर से उठाना है, अभी अलमीरा पे खिसकाना है ना। पहले इतना लिख लेते हैं उसके बाद। और ये देखो वहाँ होल है ना, इसी में हमारा सारा बैंगन और आलू गया है। और खींचने का चल देखो चौकी ना गिरे ना गिरे। ओ भाई ये तो पूरा दरार है कजल। ओरी कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। खींचो खींचो कजल, खींचो मारो, खींचो 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 आराम से, खींचो कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ये तो बैंगन ही है हमारा, जो कि बैंगन खींच के ले गया कोई। देखो पूरा दीवार फाड़ दिया यार, क्या डालने का जल इसमें? मिट्टी या फिर वो गिट्टी है, और बालू भी है सीमेंट भी है, सबको एक ही मिक्स करके पूरा बिछा के ढाल दो इसको, कैसा रहेगा? सबसे बेस्ट तरीका ना अनुज, सीमेंट भी खराब हो रहा है वैसे, ढल जाएगा तो इसमें से कितना भी चूहा मार लेगा ना तब भी नहीं निकाल पाएगा। देख रहे हो ऐसे लग रहा है साला, जैसे इसमें तो सांप भी आ सकता है ना, इसलिए रात को मुझे नींद नहीं आ रहा था। ये देखो बैंगन अभी भी इसी में अटका हुआ है। फ्रेंड्स अभी अलमीरा को भी यहाँ से हटा दिए, इधर पीछे में ईंट लगा के लगाए हैं, और इधर से भी कारपेट हटा रहे हैं। इधर भी दीवार पूरा फट गया है, ये देखो ये दीवार साइड में, ये ऐसा लग रहा है दीवार उधर की तरफ गया है ना, कि मिट्टी इधर की तरफ आया है। अब इतना काम करे काजल, तब तक मैं जा रहा हूँ कुछ सब्जी लेने, आटा लेने, है ना? ये इधर का काम, इधर को निकाल दे रहे हैं ये चौके। फ्रेंड्स अभी फावड़ा नहीं है ना, तो हाथ से ही मिट्टी उठा उठा कर मैं और अनुज रख रहे हैं, उसको ले जा रहे हैं अंदर भरना है। तो फ्रेंड्स अभी इतना मिट्टी लाए, ये मिट्टी फोड़ फोड़ के इधर सारा दरार में भर दो कजल। काजल के लिए मार्केट से पकौड़ी ला दूंगा, उतने में खुश हो जाएगी। अभी जा रहे हैं आटा। चावल बनू? चावल नहीं खे?
ऑटो नहीं है, आटा चावल एंड सब्जी वगैरह लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम और मानसी आए थे बाजार करने और मानसी देखो पूरा मार्केट में देख रही है। फ्रेंड्स ये देखिए मानसी ने कॉफी खरीदवाया है और इसके लिए खूब खुश हुई है। बस आ रहा ना, उससे डर रही है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मार्केट से आए सब्जी लेके। कादल ने इधर का पूरा पोताई कर दी है और गीला गीला है, इसी में कह रहे फिर लगाने के लिए। अब फिर एक दिन और निकालना पड़ेगा कारपेट बिछाने के लिए, तो इससे क्या फायदा हुआ, एक ही दिन निकालते दिन भर सूखता अपना, शाम को लगा देते। फ्रेंड्स अभी बेड को फिर से हम लगा दिया है, इधर लिपाई पोताई हो गया था इसलिए लगा दिए। बाकी कारपेट अब फिर लगाने के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ये खिसकाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, क्या करें समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स इधर सारा सामान ये शिफ्ट कर दिए थे, बाकी अभी कादल रोटी पकाई है, घेवड़ा निकाल के रखे है इधर, और देखो बैठ के खाना खा रही है अभी, पकौड़ी से चावल खा रही है, पकौड़ी और चावल। तो फ्रेंड्स कादल ने बनाया था आलू का सॉरी तोरी का सब्जी एंड रोटी, बट मेरे को खाने का मन है मैगी, तो आइए दिखाते हैं मैगी का रेसिपी मेरे हाथों से। ये कुछ प्याज मिर्च और धनिया पत्ता काट लिए हैं, इधर ये हमारा गरम हो रहा है, अब इसमें चलिए तेल डालते हैं। पहले मैं जब भी कुछ बनाता हूँ ना, तो मेरा सबसे पहला गलती यही होता है, ओहो अभी पानी था उसी में तेल डाल दिया, अभी पटपटाने लगा। तो चलिए जल्दी से मिर्च डाल देते हैं इसके अंदर, और डाल देते हैं प्याज, अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा पका लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हल्का फुल्का पक ही गया है, अब इसी में हम लोग डाल देते हैं मैगी का मसाला, फिर उसके बाद से मिलते हैं पानी डाल के। तो अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि थोड़ा सा लेट की वजह से प्याज हल्का जल गया, नीचे का ही जला है थोड़ा थोड़ा, बाकी मैंने इसमें मसाले और पानी और थोड़ा सा पानी मतलब ऐड कर दिया है, नमक मिला के। अभी थोड़ा सा मसाले को पकाएंगे, उसके बाद पानी डाल के तब मैगी डालेंगे। तो अभी इसमें पानी वगैरह सब ऐड कर दिया हूँ, अभी धनिया पत्ता नहीं डाले हैं, अभी थोड़ा सा इसको पकने देते हैं, फिर आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा इसका। अभी फ्रेंड्स इसमें धनिया पत्ता भी ऐड कर दिए हैं, बाकी ये खोल रहा है और पूरी तरह से पक जाने देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। इसमें कुछ राशन पानी लाया था, जैसे सोयाबीन और चावल नीचे आटा है, मार्केट से लेट हो गया था ना, इस वजह से दिखा नहीं पाए। सो फ्रेंड्स ये रहा हमारा मैगी का फाइनल लुक, और आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है देखने में, बाकी वो तो खाने के बाद पता चलेगा, आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बेस्ट हुआ है वैसे तो। तो फ्रेंड्स फाइनली ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, एंड अभी तक वीडियो आपने हमारा देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद, एंड चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत ही जल्द एक प्यारा सा ब्लॉग के साथ। मानसी दोस्तों से बात करो, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।